आनंद की खोज। आनंद की खोज में भटका हुआ इंसान दरवाजे दरवाजे पर टकराता फिरता है। बहुत सा रुपया जमा करे, उत्तम स्वास्थ्य रहे, सुस्वाद भोजन करे, सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया मकान और सवारियां हो, नौकर चाकर हो, पुत्र पुत्रियां बंधुओं से घर भरा हुआ हो, उच्च अधिकार प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, ये चीज़ें आदमी प्राप्त करता है। जिन्हें ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, वे उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। जिनके पास है, वे उससे अधिक लेने की कोशिश में प्रयत्न करते रहते हैं। इन सब तस्वीरों में आनंद की खोज करते करते चिरकाल बीत गया, पर राजहंस को ओस ही मिली। मोती उसकी तो खोज ही नहीं की, मानसरोवर की ओर तो मुंह ही नहीं किया, लंबी उड़ान भरने की तो हिम्मत ही नहीं बंधे। मन ने कहा, जरा इसे और देख लूं। आंखें से न दिख पड़ने वाले मानसरोवर में मोती मिल ही जाएंगे, इसकी क्या गारंटी। फिर ओस चाटी और फरफराया, फिर यही पहिया चलता रहता है। आपने उनमें खोजा, कुछ क्षण पाया भी, परंतु ओस की बूंद ठहरी, वे दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ी और धूल में समा गई। यही नष्ट होने की आशंका अधिक संचय के लिए प्रेरित करती रहती है। फिर भी नाशवान चीजें का नाश होता ही है।